हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपने इस केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर का केमिकल प्रॉपर्टीज़ टॉपिक का लास्ट पार्ट, जो है आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वैसे आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं एक बार कि हमने कल कुछ एग्जाम्पल्स करे थे, जिसमें एक एग्जाम्पल हमने देखा था कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्या बनाता है, सोडियम आयन बनाता है। तो ये हमारे पास क्या है, सोडियम कैटायन है, ओके। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन कर लेता है और क्या बनाता है, क्लोरीन एनायन बनाता है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको कर रहा था, क्लोरीन को कर रहा था, क्योंकि क्लोरीन के पास इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, गेन कर लिया और इसने क्या बनाया, क्लोरीन एनायन बना दिया। तो क्योंकि ये कंपाउंड हमारे पास आयन्स की वजह से बना है, आयन्स की रिएक्शन की वजह से बनाया है, तो ये क्या कहलाएगा, आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कैटायन और एनायन के बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे क्या बोला जाता है, आयनिक बॉन्डिंग बोला जाता है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कैटायन्स मतलब पॉजिटिव आयन और एनायन्स मतलब नेगेटिव आयन्स की रिएक्शन की वजह से फॉर्म होते हैं, और ये हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें दो आयन है, एक कैटायन जो कि हमारे पास है सोडियम, और एक है एनायन जो हमारे पास क्या है, क्लोरीन आयन है, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या कहलाती है, आयनिक बॉन्डिंग कहलाती है, ठीक है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पूछा जाता है, और वो क्या है कि ड्रॉ द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि एक तो तरीका आपके पास, आप सीधा सीधा लिख रहे हैं कि Na plus Cl2 will give NaCl, और अगर बैलेंस करना चाहें तो यहाँ ट्वाइस कर देंगे, यहाँ भी ट्वाइस कर देंगे, बैलेंस हो गया। ये तो सिंपल एक केमिकल इक्वेशन हमारे पास है, लेकिन अगर आप प्रॉपर दिखाना चाहें कि कैसे कैसे इन दोनों के बीच में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, कैसे कैसे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनी है, और बॉन्डिंग कौन सी, आयनिक बॉन्डिंग, तो आपको इनके बीच में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना पड़ेगा, ओके। और एक और क्वेश्चन जो हमारे CBSE बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एनी एटम, और आपकी शायद NCERT में भी एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। मान लीजिए आपको ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है, तो हमें सिंपली क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाने के लिए आपको उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं सिर्फ उनको शो करना होता है। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 और 6। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो हमें जब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हमें सिंपली क्या शो करना है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे पास हो गया ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उसी तरह से अगर आपको बोल दिया जाता कि आपको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको पता है कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 2, 8, 7। तो हमें क्या लेना है, सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो हमने क्या करा, क्लोरीन लिया और 7 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। अब ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सिंपल बना लेंगे आप लोग, ठीक है। आपको असाइनमेंट मिलेगा कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों में, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर के कुछ असाइनमेंट्स हम सॉल्व करेंगे, तो उस टाइम पे कुछ और एग्जांपल्स हम कर लेंगे। बाकी जब आप NCERT पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कुछ और क्वेश्चन मिल जाएं, अदर बुक्स भी आपके पास अवेलेबल होंगी, एस चांद या कुछ बुक आपके पास हो सकती है, उसमें भी काफ़ी एम्पल ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिलहाल हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो इसकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है, फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड।
आयनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर कैसा होता है। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। जनरली सॉलिड, हार्ड एंड ब्रिटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं। रीज़न क्या होता है कि जो आयनिक बॉन्डिंग होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ओके, आयनिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और उनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी हाई होता है, और इस वजह से वो किस फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड का मतलब ये हो गया कि उन आयन्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयन्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या होता है कि जो आयन्स हमारे पास बने, जैसे मैंने बोला NaCl, तो Na पॉजिटिव आयन होता है, Cl नेगेटिव आयन होता है, तो आयनिक बॉन्डिंग के बीच में, सॉरी आयन्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, मतलब आयन्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में, और सेम रीज़न है इसकी हार्डनेस का। ठीक है, क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, इस वजह से क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ये ब्रिटल भी होते हैं। कि अगर इनको किसी हैमर से बीट किया जाए, हिट किया जाए, या कोई प्रेशर अप्लाई किया जाए, तो ये ब्रेक भी हो जाते हैं। या आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा होगा कि ब्रिटलनेस क्या होती है। ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को हिट करते हैं तो वो चीज़ अगर ब्रेक हो जाती है ईजिली, तो क्या बोला जाएगा, वो ऑब्जेक्ट कैसा है, ब्रिटल है। अच्छा, फिलहाल आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, तो हाई क्यों होता है इतना ज़्यादा अमाउंट में, मतलब इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई होने का रीज़न होता है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन्स द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज वेरी हाई। अगर छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए तो जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 800 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 1400 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। इतने हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे जाके ये क्या करता है, बॉइल करना शुरू करता है, और 800 पे ये मेल्ट करना शुरू करता है। ठीक है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हाई है, बॉइलिंग पॉइंट कितना हाई है। लेकिन रीज़न क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स, कि जो आयन्स है कंपाउंड के अंदर, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयन्स के बीच में, वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद बात आती है सॉल्युबिलिटी की। तो जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बट दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते। अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कुछ एग्जांपल हमारे पास हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल, पेट्रोल, कैरोसिन, एसीटोन, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के। तो अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हुआ तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, कौन, आयनिक कंपाउंड, लेकिन ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ये टॉपिक हो गया, और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों ने अब तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, जून के अंदर भी आपके पास काफ़ी टाइम था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि जिसमें से करंट फ्लो कर सके, और करंट हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज को फ्लो करना पड़ेगा। अगर चार्ज फ्लो नहीं कर सकता या चार्ज हमारे पास है ही नहीं तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होता है उसके पास चार्ज प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में, कैटायन और एनायन की फॉर्म में। तो जब आप इसकी मेल्टिंग फॉर्म या डिसॉल्व फॉर्म लेंगे, आयनिक कंपाउंड की मेल्टेड फॉर्म, कि ये तो या तो मोल्टन स्टेट में हो या तो आयनिक कंपाउंड हमारे पास मोल्टन स्टेट में हो या फिर
डिजॉल्व स्टेट में हूँ, डिजॉल्व इन वाटर, ओके। अगर वो डिजॉल्व स्टेट में हुआ या फिर मॉल्टन स्टेट में हुआ तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। रीज़न क्या है कि मॉल्टन स्टेट में या डिजॉल्व स्टेट में इनके पास आयन्स प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो ये फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, और अगर चार्ज फ्लो करेगा तो करंट भी क्या करेगा, फ्लो करेगा। इस वजह से क्या बोला गया कि आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जाए, पास कराने की कोशिश की जाए, तो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, ओके। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करती है, एक इसमें शायद हमारी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी इसके ऊपर है, थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर हुआ, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाई और इन दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से, और यहाँ मैंने सॉल्यूशन ले लिया NaCl का, और जैसे ये डिसॉल्व होगा तो ये Na और Cl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे स्विच ऑन करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे स्विच ऑन किया तो हमने देखा कि ये किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव साइड से कनेक्ट है, तो पॉजिटिव साइड जो होती है बैटरी की वो नेगेटिव साइड को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और जो बैटरी की नेगेटिव साइड है ये क्या करेगा, पॉजिटिव साइड को अट्रैक्ट करेगा। ये आप लोगों ने सुना होगा ना कि अपोजिट साइड, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो नेगेटिव साइड क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, और पॉजिटिव साइड क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। और क्योंकि यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो क्या होगा, करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, सिंपल। तो बच्चों, हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ये लास्ट टॉपिक था। अब हमारे पास इस चैप्टर में एक और टॉपिक बचा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।